तुम्हें मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना। नहीं मन्ना, तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो इबादत ने क्रिएट की है। उसकी वजह से सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि पूरा परिवार सफर कर रहा है। इबादत कितनी बदनसीब है ना, खुदा ने उसे तुम जैसा शौहर दिया पर उसकी कद्र नहीं थी। अगर मुझे एक मौका मिले ना तो मैं तुम तक कोई तकलीफ ना आने दूं। आज हम एक बिस्तर पर हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हम दोनों दो जिस्म एक जान होंगे। सुभान, किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे हफीज मामू को बताना चाहिए। नहीं, मैं उनसे कैसे पूछूं? उन्हें पता नहीं होगा और वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। क्या करूं मैं? कहां ढूंढूं सुभान को, किसे पूछूं? इबादत। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सुभान कहाँ है? सुभान अपने कमरे में ही है फूफी जान, सो रहा है। कमरे में? जी। सुभान तो रात भर से मन्नत के साथ में था, फिर ये इबादत ऐसा क्यों बोल रही है कि सुभान कमरे में है? इसे कुछ पता भी है या नहीं? सच बोल रही हो? ऐसा करती हूँ, मैं ही उसे उठा देती हूँ। नाश्ते के लिए बुलाने आई थी ना, मैं ही उसे उठा देती हूँ। फूफी जान, सुभान। अरे बुलाती हूँ ना सुभान। सुभान तो मन्नत के साथ उसके कमरे में था, यहाँ कैसे आ गया?